नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के रनवे पर 4,500 लोग योग में शामिल हुए। लोगों ने तटरक्षक बल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को देखते हुए सेल्फी लेने का आनंद लिया। पारड़ी के बलदा गांव में कंटेनर चालक द्वारा बालाजी वेफर्स के कंटेनर को पेड़ से टकराने से जाम लग गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गिरे हुए पेड़ को हटवाया और यातायात शुरू कराया। वलसाड़ जिले के धर्मपुर कपराड़ा को दूसरा चेरापूंजी कहा जाता है, जहां बिना बारिश के अभिनाथ महादेव की पूजा की जाती है। लोग गर्मी से राहत पाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वे मेघराजा के नियमित आगमन का इंतजार कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के रनवे पर 4,500 लोग योग में शामिल हुए। भारतीय तटरक्षक वायु स्टेशन दमन को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में 16 जून 2024 को योग शिविर आयोजित करने के लिए 100 शहरों की 100 संस्थाओं में से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा लगातार तीसरी बार चुना गया है। योगोत्सव 2024 में लगभग 4,500 लोगों की भागीदारी देखी गई, जिसमें तटरक्षक कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, सिविल प्रशासन, स्कूल कॉलेज के छात्र और विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल थे। सत्र के दौरान लोगों को स्वस्थ जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक माध्यम के रूप में सेवा प्रदान की गई और भारत में अमृत काल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागियों को नियमित अभ्यास के रूप में ध्यान लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहां लोगों ने तटरक्षक के विमान और हेलीकॉप्टर को देखा और साथ ही सेल्फी का आनंद लिया। सुप्रभात। हर वर्ष की तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए एक बार फिर आयुष मंत्रालय ने 100 दिन 100 शहर और 100 ऑर्गेनाइजेशंस में कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन को चुना था और आज उसी उपलक्ष में योग और साधना का आयोजन किया गया। इस बार का जो उद्देश्य है, जो मोटो है या थीम है, वो है योग से नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमारा संकल्प है, जो उनकी सोच है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा एक छोटा सा कोशिश थी, जिसमें दमन, वापी और आसपास के शहरों से तकरीबन 4,500 लोगों ने भाग लेके इसको आज संपन्न कराया है, इसको सफल बनाया है। खास करके बात की जाए ये योगा डे की और योग का, तो आज यहाँ पर जो योग हुआ है उसमें बाहर से लोग तो आए, मतलब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ सामान्य समय से तो आ नहीं सकते हैं, पर ये जो रनवे पे हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? अभी अभी हमने अपने हवाई पट्टी का, या जिसे रनवे कहा जाता है, उसका रिकारपेटिंग का काम संपन्न कराया है और ये सर्वविदित है कि आने वाले कुछ समय में, निकटतम भविष्य में, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दमन से भी शेड्यूल सिविल फ्लाइट्स शुरू होंगी। हम ये चाहते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले हम अगर शुभ कार्यों से शुरू करें तो आगे आने वाले समय में सभी कार्य शुभ होंगे, सफल होंगे। और आज हर घर ध्यान और हर घर योगा के तहत सेकेंडरी रनवे से योग और ध्यान का आयोजन किया गया। ये कितना लंबा है ये रनवे हमारा और आने वाला? ये जहाँ पे आप अभी खड़े हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी रनवे। इसका डायरेक्शन है 1028, इसकी लंबाई है 1035 मीटर्स। सर, कि पिछले कितने साल से ये कोस्ट गार्ड ये योगा डे मना रहा? जिस साल से आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना शुरू करवाया था, उसी वर्ष योग का आयोजन हो रहा है। पर गत पिछले 3 वर्षों से आयुष मंत्रालय दमन को और दमन में कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन को चुन रहा है और उसी के तहत बॉम्बे के कैवल्य धाम और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन योग और मेडिटेशन
हर घर ध्यान का आयोजन करता है और उसी का आयोजन आज किया गया है। आज इंटरनेशनल योगा डे यहाँ कोस्ट गार्ड दमन में सेलिब्रेट हो रहा है और हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से आए हैं और हमने आज आर्ट ऑफ लिविंग से ध्यान प्राणायाम करवाया लोगों को और ये एक नीड ऑफ द आवर है मेडिटेशन प्राणायाम एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ डू दैट एंड आर्ट ऑफ लिविंग से हम सभी को बोलेंगे कि धन्यवाद यहाँ आने के लिए कोस्ट गार्ड पे और आज 5000 प्लस पीपल वेर हियर एंड वी आर रियली ग्लैड टू बी हियर एंड रिप्रेजेंट गुरुदेव। पार्वी के बर्दा गांव में कंटेनर चालक द्वारा बालाजी पेपर्स के कंटेनर को पेड़ से टकराने से जाम लग गया। पारड़ी में स्थित बालदा नासिक हाईवे पर बालाजी वेफर्स के कंटेनर ड्राइवर ने कंटेनर को एक पेड़ से टकरा दिया जिससे दुर्घटना हो गई, जिसके कारण दोनों ओर की सड़कों पर यातायात जाम हो गया। दुर्घटना स्थल से मिली अधिक जानकारी के अनुसार पारड़ी से नाना पौंडा जाने वाले हाईवे पर बालदा के पास बालाजी वेफर्स के कंटेनर के ड्राइवर ने तेज गति से कंटेनर चलाते हुए ड्राइविंग पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ से कंटेनर को टकरा दिया जिससे पेड़ गिर गया। कंटेनर चालक दुर्घटना स्थल से भाग गया और पेड़ सड़क के बीच में गिरने से दोनों तरफ से आने वाले वाहन रुक गए और वाहनों की लंबी कतारें लग गई, यातायात जाम हो गया। इस गिरे हुए पेड़ को स्थानीय निवासियों की मदद से हटाने का काम शुरू किया गया। वलसाड जिले के धरमपुर कपराड़ा को दूसरा चेरा पूंजी कहा जाता है, जहां बारिश न आने पर अभिनाथ महादेव की पूजा की गई। राज्य में मॉनसून आ चुका है, फिर भी बारिश अनियमित रूप से हो रही है, इसलिए अच्छी बारिश हो और खेती अच्छी हो इस उद्देश्य से वलसाड जिले के आदिवासी समाज की वर्षों से चली आ रही प्रथा आज भी जीवंत है। धर्मपुर तालुका के आदिवासी समाज द्वारा पिपरोल गांव में वर्षा देव की पूजा की गई। आदिवासी समाज के वर्षों पुरानी परंपरा को आज भी गांव के बुजुर्गों द्वारा संजोया जा रहा है। गांव के बुजुर्गों किसानों द्वारा अच्छी बारिश हो, खेती का पाक अच्छा हो, गांव में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना की जाती है। वलसाड जिले के धर्मपुर कपराड़ा को दूसरा चेरा पूंजी कहा जाता है, इसलिए किसान मेघराजा के नियमित आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वर्तमान गर्मी में ठंडक की आशा व्यक्त कर रहे हैं। पारड़ी एपीएमसी मार्केट के फ्रूट स्टॉल की दुकान में रात को अज्ञात व्यक्तियों ने आम के क्रेट चुरा लिए। पारड़ी चार रास्ता हाईवे सर्विस के पास एपीएमसी मार्केट के नजदीक छुटक आम का विक्रय करने वाली पारड़ी की 4 से 5 महिलाओं ने फ्रूट की दुकान में रखे आम के क्रेट में भरे आम रात को चोरी हो गए। महिला ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से वे छुटक आम का विक्रय कर रहे हैं, तब 15 जून की रात को स्टॉल बंद करके घर गए थे। सुबह आकर देखा तो स्टॉल के पीछे के हिस्से में नेट काट कर लगभग 24 नंग क्रेट में भरे आम जिनकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए थी चोरी हो गए। पारड़ी एपीएमसी मार्केट के सीसीटीवी चेक करते समय छोटे हाथी टेम्पो में आए चोरों को आम चोरी करते हुए कैद किया गया, जिसके बारे में एपीएमसी मार्केट के डायरेक्टर धर्मेश मोदी और आम का व्यापार करने वाली महिलाओं ने बताया कि पूरी आम चोरी की घटना छोटे हाथी टेम्पो में आम भरकर रात में निकलते हुए देखी गई, जिसके बारे में पारड़ी पुलिस स्टेशन में महिला व्यापारी संगीता बेन पटेल, डिंपल बेन पटेल, मनीषा बेन पटेल, भानुबेन पटेल, बबली बेन पटेल ने लिखित शिकायत दी और उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द ही आम चोरी करने वाले को पकड़ लेगी। અમારા બહેનો જે અહીંયા બિચારાઓ રોજનો ધંધો કરે છે કેરીનો, વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે, તો સૌ પ્રથમવાર આટલા વર્ષોથી ધંધો કરતા આવ્યા છે, પરંતુ પરમ દિવસે રાત્રે કોઈ અજાણ ટેમ્પો જે અમારી પાસે 4 થી 5 વિડીયો ફૂટેજ પણ છે તે બતાવે છે કે એ લોકોનું પાછળથી કાપડ ફાડીને એ લોકોના 20-25 મણ બંને બહેનોના કેરી ચોરી ગયા છે। અત્યારે કેરી પણ મોંઘા ભાવની હોય, બહેનોને ખૂબ જ મોટું નુકસાન થયું છે। એઝ અ પારડી એપીએમસીના ડિરેક્ટર તરીકે હું આ બનાવને વખોડી કાઢું છું। ખૂબ જ શરમજનક અને દુઃખદ ઘટના છે અને આપના માધ્યમથી પોલીસ વિભાગને પણ ખાસ વિનંતી કરું છું કે સિઝનમાં અમારે કોઈ ધ્યાન નહીં હોય આવી રીતે કેરી ભરીને કોણ ભરી જાય તો, અને તપાસ થાય, અમારા વિડીયોમાં કેમેરામાં
टेम्पो नंबर नहीं आते परंतु लगभग टेम्पो छोटा हती लोकल लागे छे अने खास करीने ये कोई भाई मळवा पण गयो छे तो पारडी स्थानिक माथी पण कोई मळेलू लागे छे। पोलिस विभाग जो एनी गंभीरताथी अने चार रस्ता पर आवेला पोलिस विभाग ना कैमरा चेक करे तो अवश्य चोक्कस आ चोर पकड़ाई जशे अने एने कड़क में कड़क सजा थाय तो आवी घटना बंद थाय अने वेपारीओ अने आवी बहेनोनुं नुकसान भरपाई थाय एवी विनंती। અને ક્યારે એક થી ચાર ના ગાળામાં ચોરાઈ ગયો હતી થોડા કેરેટ ઉચકી લઈ ગયા અને ફાડી નાખી ગયો ટેમ્પો આસપાસમાં ફર્યા કરતો હતો ને એમાં ટેમ્પામાં બેસેલા પણ હતા માણાને કેરી પંપ પર લઈ ગયા અમે બચુભાઈ ના કેમેરામાં જોયું અમે કેરી માર્કેટમાંથી જ લાવી અને વેચીએ પાકવીને ને બધી કેરી અમે અમારી બંને બહેનોની બધી લઈ ગયા આખર અમારે 25,000-30,000 નું નુકસાન થઈ ગયું છે। એવું લાગે છે આસપાસના જેવા પિયાગો ટેમ્પો લઈને આવેલા હતા જાણ કરી પોલીસે પણ કાલે આવી ગયા હવે સીસી કેમેરામાં જોવાનું બાકી છે। ભાનુબેન ના અમારી પહેલી વાર અમે આજે 25 વર્ષથી કેરી વેચીએ પોલીસ ને એમ કેવું છે કે આ સીસી કેમેરામાં જોવો તમે ના અમારું જે આવીને પકડી લેવો એ લોકોને। वलसाड हाईवे पर सुबह के समय एक ट्रक ड्राइवर ने कार को टक्कर मार दी थी जिसके कारण एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में कार में सवार सभी लोगों का चमत्कारिक रूप से बचाव हो गया। इस दुर्घटना के बारे में घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड के अतुल फाटक हाईवे के पुल पर सुबह के समय मुंबई से तेज गति से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने आगे चल रही बलेनो कार को टक्कर मार दी थी जिसमें कार दरवाजे की तरफ से घिसटती हुई थी और कार में सवार चार व्यक्तियों का चमत्कारिक रूप से बचाव हो गया। इसके साथ ही ट्रक के पास में चल रही अर्टिगा कार के ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगाकर अपनी कार को टक्कर से बचा लिया। इस दुर्घटना के कारण वलसाड हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया और पुलिस ने इस घटना के संबंध में अधिक कार्रवाई शुरू की।